का शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। आपके लिए बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है। क्या नाम है तेरा? जया। कहाँ से आया आप? दिल्ली से। दिल्ली से, सुनो ध्यान से, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, करा के आपके घर में, करा के रोज, करा के एक दिन छोड़ता है, अगले दिन कोई ना कोई दुख खड़ा रहता है। आप बार बार परेशान रहते हैं, तीन बार शैतान ने ऐसे किसी को नीचे गिर कर छत से गिराना चाह, चोट लगाना चाह। आपके बचपन में किसी को सिर पर चोट आया, गालों पर चोट आया, आपकी परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन आप बहुत बार करें जो कमाते हैं वो सारा निकल जाता है, कहीं ना कहीं खर्चे प्रॉब्लम्स करें कि पांच आता है दस चला जाता है। हाँ जी। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी के पेट में ऐसे लेफ्ट साइड में पथरियां, और ऐसे मैं देख रहा हूँ किसी को एलर्जी होता है, एलर्जी शरीर के अंदर, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं आज से भला करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं सब भलाई करूंगा। कोई जॉब छूट गया, कोई जॉब छूट गया मेरे लड़की की, आज के बाद परमेश्वर उसके ऊपर आशीर्वाद डबल कर दे रहा है यीशु मसीह का। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, आपकी लड़की की ना, और वो टेंशन में है। हाँ जी। टेंशन में, उसको जाकर बोल देना कि तेरी नौकरी इसलिए छूटी है कि परमेश्वर तेरे को 35,000 की नौकरी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा उसका। हाँ जी। सुन रहे हैं कि नहीं? कितने की नौकरी करती है? 10,000 की करती थी। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। अब समझ रहे हैं कि नहीं? 10,000 की नौकरी करती है इसकी लड़की। मेरे को कैसे बता, कहीं मिली है मेरे को? कहीं चाय पिलाई तूने मेरे को ठेले पे? नहीं नहीं पिलाई। दिल्ली में आया 3 बार में, लेकिन तूने मुझे चाय नहीं पिलाई। मेरे को पता ही नहीं है पापा जी। तेरे को पता ही नहीं? यीशु मसीह ने भी यही कहा, करा क्या तूने मुझे कपड़ा दिया? कहती मुझे पता ही नहीं कब तू नंगा था, कब तू भूखा था, तो मैंने तुझे पता ही नहीं, नहीं तो मैं तुझे खाने को देती। समझ रहे हो? कह रहे हर संडे के बाद, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, तेरे लिए बोल रहा हूँ, शराब कैसे टूटेगा, महीने में एक दिन। कह रहे आपको आपके घर के बाहर से कोई भी गरीब आदमी निकले या कहीं भी, ये महीने में एक बार किसी ऐसे बंदे को खाना खिला कर आना। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा परमेश्वर आशीष देगा, नहीं तो फिर कह रहा कि आप चर्च में आओ और किसी को खाना खिलाओ। हाँ जी। गरीब को नहीं, किसी धर्मी को। हाँ जी। समझ रहे हैं? विश्वासी को परमेश्वर ने कहा है 10,000 की नौकरी पर नहीं रखना चाहता परमेश्वर तुम्हें, क्योंकि परमेश्वर अब से तुम्हारे घराने में, तुम्हारे गली मोहल्ले में, जो ऊपर रहता है, एक ऊपर 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 कौन रहता है ऐसे ऊपर, एक सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर रहता है कोई, और परमेश्वर का आत्मा करा करा जहाँ आप पहले रहते थे, और वहां पर ऐसे घर देख रहा हूँ मैं। वो घर कहाँ है? वो दिल्ली में है, मेरे भाई रहता है, तो मेरे घर छीन लिया ऊपर, और तुम्हारा घर छीन लिया। परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है, कह रहा है कि सुन, के परमेश्वर दिखाना चाहता है जो मर्जी छीन लो, तेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद आ रहे हैं आज रात के बाद। सुन ले, 35,000 की नौकरी लगेगी, लिख ले डायरी में, नहीं लगेगी मुझसे घटा लूंगा अपनी। आमीन। कोई नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे। सुन रहे हो? आपको 35,000 की नौकरी मिलेगी। यस पापा जी। आपकी लड़की कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कहीं पर भी काम किया, कुछ भी किया, लेकिन आज रात के बाद रानी बनकर रहेगी तो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रही है? विश्वास करना, परमेश्वर कहीं से कहीं लेकर जाता है। स्तुति करने वाला करा, बुराई करने वाला, सारे बोलो बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। अपने पड़ोसी को बोल तू यहीं रह, मैं चली इंग्लैंड। बोलो हालेलुया।